हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बैचलर ऑफ मास मीडिया यानी कि BMM कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में मीडिया अपने देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर देखे जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया के क्षेत्र का दायरा काफ़ी बड़ा हो गया है। दोस्तों, आज के युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं और वे कई प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप 12वीं के बाद मीडिया के इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो BMM कोर्स करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और BMM कोर्स क्या है इसके बारे में जानकारी तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BMM कोर्स क्या है और BMM कोर्स करने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए और साथ ही इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स को करने के लिए देश भर में कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है और इस कोर्स को करने के बाद आपको आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, BMM का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मास मीडिया है, जिसे हिंदी में मास मीडिया में स्नातक कहा जाता है। दोस्तों, BMM कोर्स एक ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है जो 3 साल की अवधि का होता है, जिसे 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, जिसे 12वीं कक्षा के बाद किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कोर्स के तहत आपको मास मीडिया कम्युनिकेशन के साथ साथ अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट मीडिया, न्यूज़ राइटिंग, एंकरिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसी ज़रूरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस कोर्स में बैचलर ऑफ मास मीडिया और मास्टर ऑफ मास मीडिया दोनों की शिक्षा दी जाती है, जिसे करने के बाद आपके सामने जॉब के कई ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, बात करें BMM कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, तो BMM कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 55 से 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है और मास्टर्स कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अधिकतर कॉलेजों में 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है, इसलिए 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि BMM कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि DUET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि IPU CET, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि SET, और मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि MET। दोस्तों, BMM कोर्स की फ़ीस की बात करें तो अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इस कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में इस कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और सरकारी कॉलेजों में फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में काफ़ी कम होती है। फिर भी देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक होती है, वहीं सरकारी कॉलेज की फ़ीस 20,000 से लेकर 40,000 रुपये के आसपास होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि BMM कोर्स करने के लिए आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, BMM कोर्स करने के लिए आप क्रिएटिव होने चाहिए, आप में रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आप में नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए और आपकी एनालाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए आप में, और डिस्क्रिप्टिव स्किल्स भी होनी चाहिए और क्रिएटिव राइटिंग का स्किल्स होना चाहिए और एनालिसिस का स्किल होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप BMM कोर्स करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहला, आपके पास आपके द्वारा 12वीं कक्षा पे लाए गए परसेंट के आधार पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा, कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि BMM कोर्स करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स के साथ पास करें, और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करते हैं। अगर आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को पास करके कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है तो इस कोर्स को करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, एडमिशन मिल जाने के बाद आपको इस कोर्स की पढ़ाई 3 साल तक काफ़ी मेहनत और लगन के साथ करनी होती है, क्योंकि इस कोर्स
इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और इन सभी सेमेस्टर्स में पास करना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इस बीएमएम कोर्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करते हैं तो आपको बैचलर ऑफ मास मीडिया का सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आप चाहें तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं या फिर आप मीडिया के क्षेत्र में जॉब पाकर आप आसानी से अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों बात करें बीएमएम कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की, तो ये सब्जेक्ट्स हैं मीडिया लॉ एंड इथिक्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फोटो जर्नलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। दोस्तों बात करें बीएमएम कोर्स के सिलेबस की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पेपर 1, फंडामेंटल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, लैंडमार्क इवेंट्स इन 20th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ न्यूज़ एंड सोशल मोमेंट्स इन इंडिया। और दोस्तों बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पेपर 2, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्किल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशंस, इंट्रोडक्शन टू मीडिया स्टडीज़, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा और एडवांस्ड कंप्यूटर्स। दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें, तो इसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, वीडियो एंड टेलीविज़न, मास मीडिया रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और प्रिंट प्रोडक्शन एंड फोटोग्राफी। दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें, तो इसका सिलेबस है कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड बिल्डिंग, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग जो कि प्रोजेक्ट पेपर है, एडवर्टाइजिंग इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी एंड कॉपी राइटिंग। दोस्तों ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस एडवर्टाइजिंग वालों के लिए है। और बात करें सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस की, जो कि जर्नलिज्म का सिलेबस है, इसका सिलेबस है रिपोर्टिंग, एडिटिंग, फीचर एंड ओपिनियन जर्नलिज्म एंड पेपर ओपिनियन, इंडियन रिलीजन जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर, मेडिसिन मेकिंग जो कि प्रोजेक्ट पेपर वर्क पेपर है। और दोस्तों सेवन्थ सेमेस्टर की बात करें, जो कि एडवर्टाइजिंग का सिलेबस है एजेंसी मैनेजमेंट, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, लीगल इन्वायरमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एथिक्स, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। और दोस्तों एट्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें, जो कि जर्नलिज्म का सिलेबस है, इसका सिलेबस है प्रेस लॉ एंड इथिक्स, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, कॉन्टेम्प्रेरी न्यू मीडिया मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मैगजीन जर्नलिज्म और इंटरनेट एंड इश्यूज़ इन द ग्लोबल मीडिया इन द प्रेजेंट टाइम। दोस्तों ये तो हमने बीएमएम कोर्स के सिलेबस के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं कि बीएमएम कोर्स के लिए देशभर में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं महात्मा ज्योति राव फुले यूनिवर्सिटी, नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड फिल्म टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएमएम कोर्स करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि बीएमएम कोर्स करने के बाद आपको जॉब किन किन क्षेत्रों में मिलेगी। दोस्तों आप बीएमएम कोर्स करने के बाद आप पब्लिक पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जॉब कर सकते हैं, आप मीडिया हाउसेज में जॉब पा सकते हैं, आप न्यूज़ एजेंसी में जॉब कर सकते हैं, आप टीवी चैनल्स में जॉब कर सकते हैं, आप रेडियो कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो में जॉब पा सकते हैं, आप दूरदर्शन पर जॉब पा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर, गेमिंग इंडस्ट्री, मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जॉब पा सकते हैं, आप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब पा सकते हैं, आप क्रिएटिव या डिज़ाइन फर्म्स में जॉब पा सकते हैं, आप कॉरपोरेशन पब्लिकेशंस में जॉब पा सकते हैं, आप लेटर इंफॉर्मेशन ऑफिसेज में जॉब पा सकते हैं, आप ई न्यूज़ पेपर एंड वेबसाइट कंपनीज में जॉब पा सकते हैं, या फिर आप टीवी चैनल्स या प्रोडक्शन हाउसेज में जॉब पा सकते हैं।
दोस्तों बात करें बीएमएम कोर्स करने के बाद आप किन किन पदों पर आप जॉब कर सकते हैं, तो आप बीएमएम कोर्स करने के बाद डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं या फिर आप कॉलमनिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों बैचलर ऑफ मास मीडिया कोर्स करने के बाद सैलरी की बात करें तो ये अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग होती है, यानी कि ये आपको जॉब की फील्ड और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। फिर भी इस क्षेत्र में शुरुआती सैलरी 2 से 4 लाख रुपए सालाना आसानी से आप कमा सकते हैं इसमें। और वहीं अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप सालाना 6 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ बीएमएम कोर्स से जुड़े स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है बीएमएम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएमएम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मास मीडिया होता है। और दूसरा प्रश्न है बीएमएम कोर्स के लिए क्या योग्यताएँ होती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीएमएम कोर्स करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 55 से 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस में 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, इसीलिए 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। और तीसरा प्रश्न है बीएमएम कोर्स कितने साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएमएम कोर्स एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो कि 3 साल के ड्यूरेशन का कोर्स होता है। और चौथा प्रश्न है बीएमएम कोर्स में कुल कितने सेमेस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएमएम कोर्स में कुल 6 सेमेस्टर शामिल किए गए हैं। और पांचवा प्रश्न है बीएमएम का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएमएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसे कि हिंदी में मास मीडिया का स्नातक कहा जाता है। और छठा प्रश्न है बीएमएम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएमएम कोर्स की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस में 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक होती है। वहीं सरकारी कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए एनुअली होती है, लेकिन ये फ़ीस आपके कॉलेज पर निर्भर करती है कि आप किस कॉलेज में इस कोर्स को कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस अलग अलग तय की गई होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना बीएमएम कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।